वेलकम टू मेड बाय मी, जहां आप सीखेंगे स्विंग से रिलेटेड हर चीज़। अगर चैनल पसंद आए और वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो व्यूर्स, वेलकम टू मेड बाय मी। आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत सा ब्लैक कलर का प्रिंटेड पीस है और ये तकरीबन जो है वन गज का है और ये हम छोटी बेबी की फ्रॉक बनाने जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ये डबल है, ये देख रहे हैं आप इसको, ये डबल है और इसकी साइजिंग मैं आपको बता देती हूँ। डबल में कितनी है ये, ये डबल में साइजिंग हमारी आ रही है 18 इंच के करीब, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से भी 18 इंच लेंगे, ठीक है। ये चकोर पीस हम काट के निकाल लेंगे, सही है। ये देख रहे हैं आप इसको, इस तरीके से मैं सेट कर रही हूँ और सेट करने के बाद इसे हम निकालेंगे। पूरा हमने यहाँ से लिया, नाप ली, दोबारा नाप के आपको दिखा देती हूँ। 18 इंच है तकरीबन, 18.5 इंच, तो यहाँ से भी हम 18.5 इंच लेंगे और उसके बाद इसको, इस पीस को हम काट के निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये देखा हमने निकाल लिया। अब इसको हम जिस तरह हम अपनी वो सर्कल फ्रॉक कटिंग करते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम इसे इस तरह चार तह में सेट करेंगे। ये देखें आप, ये हमारा सेट हो गया बिल्कुल बराबर करके। अब इसको हम इसकी गोलाई में इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम काटना शुरू करेंगे और नाप नाप के हम इसे काटते जाएंगे, देख रहे हैं आप इस तरह। देख रहे हैं हमारा गोल पीस ये पूरा आ गया है। अब इसको हमें सिर्फ इस तरह सेट करना है डबल करके और ये हमारी सेटिंग है ये। अब इसके बाद हम यहाँ से हम शोल्डर कटिंग करेंगे या आर्म होल होगा और बाकी ये हिस्सा हमारा बिल्कुल ऐसे ही गोल सा रहेगा। ये तकरीबन हम 3 मंथ बेबी की फ्रॉक की कटिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये मैंने जो है 4.5 इंच के करीब हमने ये शोल्डर रखा है अपना, ठीक है, यहाँ पे, और उतना ही हमने आर्म होल रखा है 4.5 इंच यहाँ से हमने, और ये जो हमारा चेस्ट एरिया है ये हमने 7 इंच के करीब रखा है, ये सिलाई का हक छोड़कर। ये देख रहे हैं 1/2 इंच के करीब सिलाई है। उसके बाद हमने हल्का सा टर्न करके यहाँ तक ये जो है एरिया हमारा है ये है 9.5 इंच तक, ठीक है, और ये इतनी लेंथ होगी ये इसकी हमारी 7.5 इंच के करीब हमारी ये जो है लेंथ है, ये मैंने निशान लगा रही, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये जो हम निशान लगाएंगे ये यहाँ से लगाएंगे ताकि ये जो हमारे सिलाई में ना आए, ठीक है। ये देख रहे हैं आप इसको, ये हमने लिया 7.5 इंच और उसके बाद इसको हम इस तरीके से पूरा निशान लगा लेंगे जहाँ ये हमारी इलास्टिक लगेगी, ठीक है। ये देख रहे हैं पूरा हमने इसको इस कोने से लेकर इस कोने तक हमने निशान लगा दिया और उसके बाद ये हमारा जो फ्रंट का गला होगा यहाँ से भी मैं लूँगी, इसको इसी तरीके से हम सेटअप करेंगे ताकि हमारे पास पूरा एक निशान रहे और आराम से हमारी इलास्टिक लग जाए यहाँ पर, ठीक है। ये देख रहे हैं, ठीक है। अब ये फ्रंट का गला है ये हमने, ये हम थोड़ा सा 2 इंच 1.5 इंच के करीब बड़ा करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको इस तरीके से बड़ा करने के बाद ये हमारा गला कटेगा। देख रहे हैं मैंने अपनी फ्रिल रेडी की हुई है, ये हम मैं साइजिंग आपको बता देती हूँ। ये तकरीबन 2.5 इंच के करीब है, 3 इंच लिया था, नीचे से हमने थोड़ा सा इसे फोल्ड करके मोड़ा है, ऊपर ये गैदर्स डाली है। ये जो हम फ्रिल लगाएंगे ये जो हमारा ये जो कोना है यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे पूरा और ये इस तरीके से हमारा ये फ्रिल लगेगी इस फ्रॉक के अंदर, ठीक है।
ये देखिए यहाँ तक आएगी पूरी इस तरीके से, और बीच में हमारी ये इलास्टिक लगा के हम चुन्नट लगाएंगे, और इसको गला जब हम बड़ा करेंगे तो यही फ्रिल हम थोड़ी सी गले पे और आस्तीनों पे लगाएंगे। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं इसको स्टिच करना। आप देख रहे हैं मैंने पूरे गुलाई में जो हमारा सर्कल बना हुआ है इसके ऊपर हमने इस तरह फ्रिल लगा लिए, ये दोनों पीस में इस तरह हमने इस तरह सेटअप करा है। ये देख रहे हैं ये उल्टी की तरफ से भी आप देख लें पूरा लगा लिया ही हमने। अब इसके बाद जो है हम इसकी फ्रिल बिठाने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे ताकि ये फ्रिल हमारी बैठ जाए। ठीक है, ये सीधी सी सीधा सा काम है बिल्कुल कि इसके ऊपर हमें करना है, बिठा देना है ये। और उसके बाद ये मेरा फ्रंट है, इस पर जो है मैं अपनी फ्रिल लगाऊँगी एक और यहाँ पर। ठीक है, ये सिर्फ हम फ्रंट पे लगाएंगे इस तरीके से, हम इसे फ्रंट रेडी कर लेंगे। यहाँ से हम इसको इस तरह हम पूरी फ्रिल लगा लेंगे, ये देख रहे हैं आप इस तरह ये आ जाएगा। ये लगाने के बाद उसके बाद जो ये हमने लाइन खींची हुई है देख रहे हैं आप इसको, ये रहा हमारा, ये हमने इलास्टिक काट के रखी हुई है। देखें ये रही हमारी, ये डबल में है। मैं साइजिंग आपको इलास्टिक की बता देती हूँ कि हमने कितनी ली हुई है, ये देख रहे हैं ये डबल में हमने ली हुई है तकरीबन 9 इंच के करीब। ठीक है, आप देख रहे हैं इस तरह हमने गले में अपने फ्रिल सेट कर लिए। अब उसके बाद हम ये बैक साइड का जो है ये मैंने थोड़ा सा ये देख रहे हैं ये खोला है, इसमें हम डोरी लगाएंगे ताकि आसानी से बच्चे का सर जो है इसमें जा सके। अब इसमें सबसे पहले हम यहाँ शोल्डर सियेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो ब्लैक हमने ये काटी हुई है पाइपिंग, ये हम इसके गले में लगाएंगे। ठीक है, पूरी ये इससे पहले मैं कई फ्रॉकों में दिखा चुकी हूँ आपको कि हम कितनी आसानी से ये लगाते हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम ये शोल्डर सियेंगे, उसके बाद अपने गले पर पट्टी लगाएंगे, फिर हमारा जो है काम होगा। साइड पे आर्म होल पर जो है हम ये लगानी है, हमें फ्रिल लगानी है वाइट, और उसके बाद फिर हम इलास्टिक लगाना बताएंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले हम ये जो हमने होल बनाया हुआ है पीछे बैक साइड बैक होल बनाया हुआ है डोरी के लिए, तो सबसे पहले मैं इसमें लगाऊंगी अपनी पाइपिंग, उसके बाद पूरे गले पे सेट करूंगी। ये देख रहे हैं हमने फ्रिल लगा ली अपने गले पे, और ये हम पाइपिंग लगाई है हमने इस तरीके से बैक साइड पे जो है ये डोरी बांधने के लिए। ठीक है, अब जो है हम आपको कमर पे जो हमारे ये इलास्टिक लगानी है वेस्ट पर, ये देख रहे हैं आप इसको, ये मैंने जब कटिंग करते हुए आपको निशान लगा के बताया था, ये देख रहे हैं ये पूरा हमारा निशान लगा हुआ है ब्लू कलर का, और ये हमने इलास्टिक ली हुई है तकरीबन 9 इंच की। ठीक है, ये देख रहे हैं डबल में ये है जो है 18 है, और इसमें डबल में हमने लिया हुआ 9 इंच की। अब मैं इसको दो हिस्सों में बांटूंगी। ठीक है, उसके बाद जो है हम यहाँ पर इसको अभी उसके बाद हम इसकी साइडें सियेंगे। ठीक है, पहले हम अपनी इलास्टिक लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमने इसको स्टार्ट करा। देखें ये हमारी इस तरीके से हमारी इलास्टिक लगी है, ये हमारा फ्रंट गला है और ये हमारी इलास्टिक है। दोनों साइडों पे लगा के उसके बाद जो है हम ये जो है फ्रिल लगाएंगे अपनी स्लीव पर, ये मैं दिखा देती हूँ आपको, ये हम बाद में लगाएंगे बैक साइड पे, पहले ये दिखा देती हूँ। ये हम यहाँ पे इस तरीके से हम फ्रिल लगाएंगे पूरे दोनों तरफ दोनों आर्म होल पर। ठीक है, ये इस तरह हमारा आएगा, और इस साइड पे भी हम लगाएंगे इसको इसी तरीके से। ठीक है, तो ये मैं स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा सा हम इसको हल्का सा करेंगे और यहाँ से लगाना शुरू करेंगे हम इसे। ये देख रहे हैं हमारे जो है आर्म होल पे हमने फ्रिल लगा ली है दोनों साइडों पर। अब ये हमारा लास्ट काम है, यहाँ से हम ये जो फ्रिल हमने जो लगाई है आर्म होल में यहाँ से लेंगे और दूसरी फ्रिल तक जो है हम इसे सी लेंगे। ठीक है, और इस तरह सियेंगे कि दोनों तरफ की इलास्टिक भी हमारी अंदर की तरफ चली जाए, इधर से भी सियेंगे और इधर से सियेंगे, ये हमारी साइडें सिल जाएंगी और इस तरह की हमारी पूरी फ्रॉक रेडी हो जाएगी। आप देख रहे हैं दोनों तरफ की हम साइडें सियेंगे, इधर की भी सियेंगे और इधर की भी सियेंगे, और इस तरह की हमारी फ्रॉक जो है तकरीबन कम्प्लीट हो जाएगी। आप देख रहे हैं हमारी खूबसूरत सी सर्कल फ्रॉक तैयार हो गई है, तकरीबन 6 मंथ से 9 मंथ तक की बेबीज़ के लिए होगा।
और अब यहाँ ये जो आप देख रहे हैं कि हमने थोड़ी सी छोटी सी ये रिबन निकाला हुआ है और ये बेल है, वो हम इसको इस तरह से बो बनाकर और इस तरह से सेटअप करेंगे, और करने के बाद जो है यहाँ पे ये फ्रंट पे हम इसको इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हम इसको इस तरीके से ये हम सेटअप करके यहाँ बीच में लगाएंगे। तो ये हमारी खूबसूरत सी फ्रॉक आप देख रहे हैं तैयार हो गई है। आपको हमारी फ़्रॉक पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like this tutorial, please subscribe to our channel, share this tutorial and like this tutorial as well. Thank you so much.